Subscribe and press the bell icon for latest update. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज त्रिपुरा के लोगों से अपील की है कि वो सुशासन कायम रखने के लिए कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह झूठे वायदे नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि ना तो माकपा और ना ही बीजेपी विकास पर ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो अपने चुनावी वायदे को पूरा कर सकती है और वह 2019 में केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल माकपा की अगुवाई वाले वाम मोर्चा शासित त्रिपुरा में 18 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में आज यहां आए। आज प्रचार का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा, कांग्रेस जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है। वो कोई ऐसा वादा ही नहीं करती जिसे वह पूरा नहीं कर सके। यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने वादे पर पूरा अमल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया है कि सत्ता में आने पर वह मनरेगा में मेहनताने के तौर पर 340 रुपये प्रतिदिन देगी, जबकि असम में वह महज 184 रुपये प्रतिदिन दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी ने त्रिपुरा के कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वायदा किया है। असम में भी लोगों से ऐसा वायदा किया गया था, लेकिन बीजेपी ने वहाँ अब तक इसे लागू नहीं किया है। SPR9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।